अगर जो आप लोग को कहीं कोने में कुछ रखना है, मतलब कुछ फर्नीचर वगैरह इसे कुछ थोड़ा शो पीस के लिए, तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ टिपाई है, जो कि टिपाई नहीं मतलब कॉर्नर ही पकड़ लो उसको, और बहुत प्यारा डिजाइन है। देखो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है और आप लोग को दिखा देता हूँ, और एक सोफा कम्बेड भी दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन डिजाइन है। हमारा कॉर्नर जो कि सामने का बेस ये है, और इसमें हमने सेल्फ भी बनाया है, एक अंडरग्राउंड सेल्फ है और एक आप लोग को नीचे दिखता है, ऊपर आप कुछ रख सकते हैं, ये टिपाई का भी काम करेगा, कोने में रख देंगे, और इसके नीचे भी एक सेल्फ है, बीच में आप दिखेंगे धीरे धीरे। तो देखो यहाँ पर एक सेल्फ है, आप यहाँ पे कुछ रख दो, यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं, और कोने में एकदम आराम से फिट हो जाएगा। इसका जो साइज़ है मैं बता देता हूँ आप लोग को, यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 इंच है, वहाँ से वहाँ 27, और ये यहाँ तलक है, ये बीच में बेस, ये भी 27 का ही है। आप छोटा बड़ा कुछ भी बनवा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। ये कोने में रख देंगे, उसके ऊपर कुछ 100 पीस भी रख सकते हैं आप, और बहुत अच्छा लगेगा। चलो मैं सोफा कम्बेड भी आप लोग को दिखा देता हूँ। कम्बेड हमारे यहाँ पर खड़ा है, आप लोग को दिखता होगा, ये देखो। और ये हमारा जो दोस्तों, ये हमारा 9 बज चुका है और मैंने चार्ट भी खोल दिया है, बैंक निफ्टी का चार्ट। चलो मैं आप लोग को सबसे पहले सोफा कम्बेड दिखा देता हूँ। तो मैंने ये गिरा दिया है देखो, और इसको मैं अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दूँ क्या साइज है, कितना खोलेंगे, कितना बड़ा बनेगा। चलो दी इसको फिर दिखा। तो दोस्तों ये रहा हमारा सोफा कम्बेड, जो कि बहुत हैवी आप लोग को दिखता होगा, देखो। और इसमें जो बैग है, छोटा बैग है, और बैग को हमने कर्व दिया है, देखो ये ऐसे बैग कर्व है, और इसका हैंडल हमारा फ्लैट है पूरा सीधा। और ये साइज है, मैं यहाँ से आप लोग को, और वहाँ का पूरा साइज 3 फिट है, और जब इसका ट्रॉली बनाएंगे तो ये हमारा 3 फिट ये, और नीचे का ट्रॉली 3 फिट, तो दो खींचेंगे तो हमारा 6 फिट बनेगा, और लेंथ जो है लंबा हमारा यहाँ से लेकर वहाँ तक अंदर का साइज वो 6 फिट का है, और बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, लेकिन बहुत हैवी है। इसको एक जगह रख देंगे तो काफ़ी दिन चलेगा, और फिटिंग ज़बरदस्त डिजाइन है। थोड़ा मैं इसको जगह ने थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है इसका, ठीक है, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ पूरा फेस, और बहुत प्यारा है, देखो देखने में काफी शानदार लग रहा है। और हमारे देखो यहाँ पर एक एल सोफा रखा हुआ है, जो कि जगह नहीं है तो मैं दिखा देता पूरा टोटल, लेकिन इसका मैं ड्राइविंग आप लोग को दिखा, जो ये हमारा है इसका मैं ड्राइविंग आप लोग को दिखा देता हूँ। मैंने अपना औजार का सब खोल दिया है कि देखते हैं इसका ड्राइविंग किधर है। ये पेपर नहीं है, शायद इस पेपर में हो सकता है फिलहाल। हाँ ये रहा हमारा, ये देखो ये हमारा आया था जो मैं अभी दिखाया हूँ, और इसका एल सोफे का ये भी नहीं है। हाँ ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, ये रहा हमारा, देखो दोस्तों एल सोफे का। मैं आप लोग को इसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ये देखो आउट ऑर्ड 97 इंच लिखा हुआ है, और ये आउट ऑर्ड 83 इंच लिखा हुआ है। तो ये हमारा सोफा कम्बेड बनेगा, और ये हमारा स्टोरेज वाला बनेगा, जो कि ऐसे ऊपर से ढक्कन खुलेगा। चलो फिर दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। दबा दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे मेरे पास कुछ ऐसे ही पेपर वेपर बहुत आते रहते हैं, और मैं सब अलग अलग डिजाइन, जो कि मैं देखो आप लोग कितना सब दिखता रहेगा, सब ड्राइविंग है सब, तो ऐसे मैं बनाते रहता हूँ अलग अलग डिजाइन के। देखो ये भी एक है सोफा, ये चेयर है, ये टेबल है, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ मेरे पास आते रहता है अलग अलग, और मैं बनाते रहता हूँ।